हेलो दोस्तों, 90s का दशक हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स में से एक था। ये वही समय था जब कई सारी डिस्कवरीज की गई थी। बट आज मैं बात करने वाला हूँ आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। एक्चुअली आईटी इंडस्ट्रीज के भी नहीं, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूँ नैस्डैक यानी अमेरिकन शेयर मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिजास्टर्स में से एक, .com बबल बस्ट की। और जानेंगे कि क्या था .com बबल बस्ट। तो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्क। लेट्स बिगिन टू अ वंडरफुल वीडियो टाइटल व्हाट वाज .com बबल बस्ट। तो .com बबल बस्ट नैस्डैक का एक इवेंट था। अब आप लोग सोचेंगे कि ये नैस्डैक क्या है, तो आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही अमेरिका में नैस्डैक होता है, जिसकी मदद से लोग अपना पैसा डिफरेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए थे, वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक्चुअली .com बबल बस्ट हुआ तो 2000 और 2001 के बीच में था, बट इसकी स्टार्टिंग 1991 से ही हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि 1990 से 2000 के बीच दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, स्पेशली अमेरिकन इन्वेस्टर्स, आईटी कंपनीज में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और दिखाएं भी क्यों ना, क्योंकि उस समय आईटी कंपनीज कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा रही थी। उस समय तो FMCG कंपनीज भी इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रही थी, बिकॉज दे नोज कि आने वाला मार्केट आईटी का ही है। एंड डेट वॉज द रीज़न कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स आईटी कंपनीज पर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो भी उस कंपनी के बैकग्राउंड या फिर उस कंपनी के काम करने के तरीके को समझे बिना। आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ठीक यही चीज़ हो रही थी उस समय नैस्डैक में। इन्वेस्टर्स अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि कई मिलियन डॉलर्स, जिसकी वजह से जिस नैस्डैक की वैल्यू 1000 से भी कम थी, उस नैस्डैक की वैल्यू सिर्फ 1995 से लेकर 2000 के बीच 5000 को भी क्रॉस कर चुकी थी। और उस समय आईटी बेस्ड कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रही थी, जिसकी वजह से लोग और इन्फ्लुएंस हो रहे थे इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन उस समय जो इन्वेस्टर्स इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जैसे वॉरेन बफे ने उस समय आईटी बेस्ड कंपनीज पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, जिसकी वजह उनसे एक इंटरव्यू में पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता, जिसकी वजह से मैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। लेकिन आज तो बफेट एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसी कई आईटी कंपनीज के शेयर होल्डर हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में वैसे ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही नई और अमेजिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए।